मौसमी कहती हैं कि इज लव इज द एसेंस ऑफ ऑल मेडिटेशन हीलिंग मॉडलिटीज एट्सेट्रा इज कैन लव चेंज एवरीथिंग। यस मौसमी, लव कैन चेंज एवरीथिंग एनीथिंग। लव मेक्स यू रियल। हम स्यूडो हैं, लव मेक्स यू रियल। प्रेम हमको वास्तविक बना देता है, यथार्थ बना देता है, तो वो जादू ही तो है। प्रेम का मतलब है कि हमारी संभावना में यकीन की दृष्टि, तो वो सब कुछ बदल देता है। वो सार ध्यान का दिखे, ध्यान का दिखेगा क्या, जो तुमने लिखा है ना, क्या वो सार है सारी चीज का? तो सार ऐसे है कि ध्यान बाहर कैसे दिखेगा? ध्यान बाहर प्रेम, सजगता और संवेदना की तरह ही दिखेगा। भावुकता वाला प्रेम नहीं, लेकिन बड़ा ही सचेतन प्रेम। अभिव्यक्ति तो उसकी वैसे होगी, ध्यान एक आंतरिक घटनाक्रम है, वह कैसे बाहर दिखेगा? हम जब कुछ भी कर रहे हैं व्यक्तियों के साथ, प्रकृति के साथ, पशु पक्षियों के साथ जो व्यवहार, उसमें कितनी संवेदनशीलता है। प्रेम संवेदनशीलता का चरम है या उसका एक कंसोलिडेशन है, तो उसी से तो पता चलता है कि व्यक्ति ध्यानपूर्ण है। अब ध्यानी व्यक्ति तो है और बस रौनता हुआ जा रहा जमीन को, छोटी सी बात है, तो ये रौनता हुआ जा रहा है व्यक्ति, ये क्या ध्यानी हो सकता है? बुद्धा ने एक मेडिटेशन दिया था, चंक्रमण विपश्यना। मतलब क्या था उसका? धरती पर प्रेम पूर्वक चलना। ध्यान से कुछ पाना नहीं है, ऐसा कुछ तुमको पाना है, उस ध्यान का अर्थ जब चलो ऐसे कि धरती पर जब पैर स्पर्श हो तो उसमें एक संवेदना हो, धरती ने तुम्हें संभाला है, चलने का अवसर दिया है, तो उसको रौंदो नहीं, प्रेम से चलो। तो एक व्यक्ति को चलते हुए ही देख लो, पता चल जाता है कि ये व्यक्ति ध्यानपूर्ण है या नहीं है, छोटी सी बात है। तो हर जगह वही लागू होता है और फिर रिश्ता सब कुछ बदल देता है। इट कैन ट्रांसफॉर्म एनीथिंग एंड एवरीथिंग। Thank you.